बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आज मैं एक्सरसाइज 1.3 करूंगी स्टार्ट 9th क्लास के मैथ्स की। तो इसका क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ़ ए इज़ इक्वल टू 1 माइनस 2 3 4 एंड बी इज़ इक्वल टू 0 7 माइनस 3 एंड 8। इसके टू पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट में आपने फाइंड करना है 3a माइनस 2b। तो फर्स्टली स्टूडेंट्स मैं लिखती हूँ 2a माइनस 3a माइनस 2b इज़ इक्वल टू 3। अब यहाँ पे a की वैल्यू पुट कर दो जो आपको गिवन है 1 माइनस 2 3 एंड देन 4। उसके बाद है माइनस 2 और यहाँ पे b की वैल्यू लिखते हैं। b आपको गिवन है 0 7 माइनस 3 एंड देन 8। अब सिंपल है, 3 को अंदर हर टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर दें। 3a माइनस 2b इज़ इक्वल टू 3 वन ज़ार 3, 3 टू ज़ार 6, 3 थ्री ज़ार 9, 3 फोर ज़ार 12। नेगेटिव साइन को भी मैं एज इट इज़ यहाँ पे पुट करूँगी। अब अंदर हर टर्म के साथ 2 को मल्टीप्लाई कर दूँगी। 200, 27 ज़ार 14, 23 ज़ार 6, 28 ज़ार 16। अब आपने सिंपली क्या करना है, दो मैट्रिसेस बन गए, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दें क्योंकि दरमियान में नेगेटिव साइन है। सो 3 माइनस 0 माइनस 6 माइनस 14 9 माइनस, और ये क्या है आपके पास माइनस 6 है, इसको ब्रैकेट में लिख दें, 12 माइनस 16। 3 माइनस 0 3, माइनस 6 माइनस 14 दिस इज इक्वल टू माइनस 20। ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 9 प्लस 6, 12 माइनस 16 दिस इज इक्वल टू माइनस 4। तो इनको सिंप्लीफाई करके 3a माइनस 2b इक्वल आ गया 3 माइनस 20, 15 माइनस 4। ये आपके पार्ट नंबर 1 का आंसर है। अब इसका सेकंड पार्ट मैं करती हूँ। अब सेकंड पार्ट है स्टूडेंट्स 2a ट्रांसपोज माइनस 3b ट्रांसपोज। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं लिखती हूँ 2, a की वैल्यू पुट करें, a आपको गिवन है 1 माइनस 2 3 एंड देन 4। अब आपको चाहिए था a का ट्रांसपोज, तो ऊपर मैंने ट्रांसपोज के लिए t लिख दिया माइनस 3। अब लिखेंगे b की वैल्यू 0 7 माइनस 3 एंड देन 8, और इसका भी हमें क्या चाहिए ट्रांसपोज। ओके, 2 एज इट इज़। फर्स्टली हम इन दोनों मैट्रिसेस का ट्रांसपोज लेंगे। ये आपके पास है रो 1 माइनस 2, इसको कॉलम में लिखते हैं। ये है 3 4, इसको भी कॉलम में लिखते हैं, ट्रांसपोज आ गया। अब नेक्स्ट 0 7 आपकी रो है, इसको कॉलम में लिखते हैं माइनस 3 8। अब अंदर हर टर्म को 2 से मल्टीप्लाई कर दें। 2 1 ज़ार 2, 2 3 ज़ार 6, 2 2 ज़ार 4, 2 4 ज़ार 8। नेगेटिव साइन एज इट इज़ रहने दें। अंदर हर टर्म को 3 से मल्टीप्लाई कर दें। 3 0 0, 3 3 ज़ार 9, नेगेटिव 9, 3 7 ज़ार 21, 3 8 ज़ार 24। अब ये दो मैट्रिसेस बन गए, इन दोनों को हम लोगों ने क्या करना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है। 2 माइनस 0, 6 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 6 प्लस 9। अगर आपको ये स्टेप क्लियर नहीं है तो आपने प्रॉपर इस तरह लिख लेना, ठीक है। माइनस 4 माइनस 21, 8 माइनस 24, सो 2a ट्रांसपोज माइनस 3b ट्रांसपोज इज इक्वल टू 2 15 माइनस 25 माइनस 16। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसका सेकंड क्वेश्चन नंबर 7 मैं करती हूँ। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। इसमें आपने a और b की वैल्यू अननोन ये फाइंड करनी है, ठीक है। फर्स्टली मैं इसको एज इट इज़ लिखती हूँ 2 इंटू 2 4 माइनस 3a प्लस 3 1b 8 माइनस 4 इज़ इक्वल टू 7 10 18 एंड देन 1। अब फर्स्ट मैट्रिक्स की हर एंट्री को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 2 ज़ार 4, 2 4 ज़ार 8, 2 3 ज़ार 6, 2a प्लस का साइन। सेकेंड मैट्रिक्स की हर एंट्री को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 1 ज़ार 3, 3b, 3 8 ज़ार 24, 3 4 ज़ार 12
अब इन दोनों मैट्रिसेस को आप सिंपली ऐड कर लें, 4 + 3, 8 + 3b -6 + 24, 2a + 12, बट ये नेगेटिव है तो -12 आएगा, इज इक्वल टू 7, 10, 18, 1. 4 + 3, 7. ये थ्री बी की वैल्यू अनन है, इसको एज इट इज रहने दे. -6 + 24 इज इक्वल टू 18. 2a - 12 इज इक्वल टू 7, 10, 18 and then 1. अब देखिए दरमियान में इक्वल का साइन है, इसका मतलब है दोनों साइड पे मैट्रिसेस इक्वल हैं, सो इनकी कोरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी क्या होंगी, इक्वल होंगी. सो 8 + 3b इज इक्वल टू 10. यहाँ पे मैं लिखती हूँ 8 + 3b इज इक्वल टू 10. यहाँ से b को सेपरेट कर लेंगे, सो 8 को लेते हैं लेफ्ट राइट साइड पे, ये हो जाएगा -8. 10 - 8 इज इक्वल टू 2. तो 3 के साथ 3 जो है b के साथ हो रहा है मल्टीप्लाई, जब इसको राइट से ले आऊँगी ये आ जाएगा डिवाइड, सो ये आ गया 2/3, b की वैल्यू आ गई. अब आपको फाइंड करनी है a की वैल्यू. सो देखें ये 2a - 12 है, इसके कोरस्पॉन्डिंग एंट्री 1 है, तो ये इसके इक्वल होगा. सो 2a - 12 इज इक्वल टू 1. -12 को लें राइट साइड पे, ये हो जाएगा प्लस 2a इज इक्वल टू 13. अब a जो है के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको राइट साइड लेंगे आ जाएगा डिवाइड, सो 13/2, दिस इज ओवर a. अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, मैं करती हूँ स्टार्ट. अब नेक्स्ट जो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 8 में आपको दो मैट्रिसेस गिवन है, a एंड b, ठीक है. आपको कहा गया आपने वेरीफाई करनी है लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड, ठीक है, फर्स्ट पार्ट में. अब फर्स्ट पार्ट में देखिए, लेफ्ट हैंड साइड पे a + b का ट्रांसपोज और राइट साइड पे a + b. तो सबसे पहले स्टूडेंट्स मैं लेती हूँ a + b. a + b इज इक्वल टू, अब देखिए a की वैल्यू क्या है, 1201 प्लस b क्या है आपके पास, 1120. अब इन दोनों मैट्रिसेस को सिंपली ऐड कर लें, 1 + 1, 2 + 1, 0 + 2, 1 + 0. तो ये आपके पास a + b आ गया 2, 3, 2, 1. आपको इसका क्या चाहिए था, ट्रांसपोज. अब नेक्स्ट स्टेप में मैं इसका ट्रांसपोज ले लेती हूँ, a + b का ट्रांसपोज 2, 3, 2, 1. ट्रांसपोज लेने के लिए इसके ऊपर t लिखा. अब देखिए ये 2, 3 आपकी क्या रो है, इसको कॉलम में लिखते हैं 2, 3. अब सेकेंड रो है 2, 1, इसको भी कॉलम में लिखते हैं 2, 1. तो ये आपके पास आ गया a + b का ट्रांसपोज, ठीक है. इसको मैं कह देती हूँ 1. अब मुझे फाइंड करनी है इसकी राइट हैंड साइड. अब पहले मैं लूँगी a ट्रांसपोज, a मैट्रिक्स लिखेंगे 1, 2, 0, 1, और इसके ट्रांसपोज के लिए ऊपर t लिखा, सो ये आ गया 1, 2, 0, 1. देखिए ये था, ये थी रो 1, 2, मैंने इसको कॉलम में लिखा, ये भी रो थी, इसको भी मैंने कॉलम में लिख दी. अब मैं लूँगी b का ट्रांसपोज, 1, 1, 2, 0, ऊपर t, अब इसका ट्रांसपोज लेंगे 1, 1, इसको कॉलम में लिखते हैं, अब 2, 0 को भी कॉलम में लिखते हैं. अब नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर लेंगे, a ट्रांसपोज + b ट्रांसपोज. a की वैल्यू लिखते हैं a ट्रांसपोज की 1, 0, 2, 1 प्लस b ट्रांसपोज की वैल्यू लिखते हैं 1, 2, 1, 0. 1 + 1, 2, 0 + 2, 2, 2 + 1, 3, 1 + 0, 1. ये आपकी है राइट हैंड साइड का आंसर, इसको मैं कह देती हूँ 2. अब अगर आप नोट करें 1 और 2 दोनों का आंसर सेम है, सो लिखेंगे फ्रॉम 1 and 2 प्रूव्ड दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. अब स्टूडेंट्स लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को हमने अगेन सॉरी वेरीफाई करना है, प्रूव करना है कि इक्वल है. सो यहाँ पे प्लस किया था, यहाँ पे सिंपली क्या सब्ट्रैक्शन होगी. सो पहले a - b कर लेते हैं फाइंड.
ए आपके पास है 1201 और बी है 1120. 1-1, 2-1, 0-2, 1-0. तो ये आ गया 0, 1, -2 एंड देन 1. अब आपने क्या करना है, इसका लेना है ट्रांसपोज. तो ए माइनस बी का लेते हैं अब हम ट्रांसपोज, 0, 1, -2 एंड देन 1. टी लिखेंगे ऊपर. अब ये देखिए, ये आपकी रो 0, 1, इसको कॉलम में लिखते हैं. ये सेकंड रो है 2, -2, 1, इसको कॉलम में लिखते हैं. तो ये आपके पास आ गया ए माइनस बी का होल ट्रांसपोज. ये हमारी है लेफ्ट हैंड साइड का आंसर, इसको मैं कहते देती हूँ 1. अब मुझे पहले ए ट्रांसपोज चाहिए, फिर बी ट्रांसपोज चाहिए. सो ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा आपके पास, 1, 2, 0, 1 ट्रांसपोज. अब देखिए, ये आपके पास है रो, इसको कॉलम में लिखते हैं 1, 2. ये दूसरी रो है 0, 1, इसको कॉलम में लिखते हैं. ये आ गया ए का ट्रांसपोज. अब मैं लेती हूँ बी का ट्रांसपोज. सो नाउ बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू, बी की वैल्यू लिखिए 1, 1, 2, 0 और ट्रांसपोज ले लेंगे. देखिए, आपके पास है रो, इसको लिखिए कॉलम में 1, 1 और ये भी आपके पास रो है, इसको भी कॉलम में लिखिए 2, 0. ये ए ट्रांसपोज की वैल्यू है, ये बी ट्रांसपोज की वैल्यू. अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं. ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू, पहले ए ट्रांसपोज की वैल्यू लिखिए 1021 माइनस अब बी ट्रांसपोज 1210. 1-1, 0-2, 2-1, 1-0. जीरो माइनस टू 1, 1. इसको मैं कह देती हूँ 2, क्योंकि ये मेरी राइट हैंड साइड का आंसर. अब आपने देखना है 1 और 2 का आंसर क्या सेम है, तो इनका आंसर सेम है. सो हम लिखते हैं फ्रॉम 1 एंड 2 प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 के पार्ट, सॉरी क्वेश्चन 8 के पार्ट 3 में आपने बताना है कि ए प्लस ए ट्रांसपोज सिमेट्रिक है. तो बेसिकली स्टूडेंट्स, अगर आपके पास कोई एक मैट्रिक्स है ए और आप इस ए मैट्रिक्स का ले ट्रांसपोज, वो अपने ही मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए, तो इसको हम कहते हैं सिमेट्रिक. ओके, अब देखें, आपको यहाँ पे प्रूव करना है कि जो ए प्लस ए का ट्रांसपोज है ये सिमेट्रिक है. देखें, जब दो मैट्रिसेस को आप ऐड करेंगे तो आपके पास एक सिंगल मैट्रिक्स आएगा. अब ये जो सिंगल मैट्रिक्स आया, आपने इसका अगेन लेना होगा ट्रांसपोज. ओके, अगर इसका ट्रांसपोज लेने से ये इसके इक्वल आ जाए ए प्लस ए ट्रांसपोज के, तो आपने कहना है दिस इज सिमेट्रिक. तो जो आपको क्वेश्चन गिवन है पार्ट नंबर 3 में, आपने सिंपली क्या करना है, पहले इसको ऐड करना है, ए को ए ट्रांसपोज में ऐड करें, एक सिंगल मैट्रिक्स आएगा, फिर अगेन आपने उसका ट्रांसपोज देना. अगर वो इसी के इक्वल आ जाए तो आप कहेंगे कि ये आपके पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स है. ओके, सबसे पहले यहाँ पे मैं मैट्रिक्स ए लिखती हूँ. ए इज इक्वल टू 1, 2, 0, 1. ठीक है, अब मुझे क्या चाहिए, ए का ट्रांसपोज चाहिए, फिर जाके मैं उसको ऐड कर सकती हूँ. सो ए का ट्रांसपोज लेते हैं 1, 2, 0, 1. टी लिखे ट्रांसपोज के लिए. अब देखिए, ये आपके पास है रो, इसको कॉलम में लिखते हैं 1, 2 और ये भी आपके पास रो है, इसको भी कॉलम में लिखते हैं. ये मेरे पास आ गया ए का ट्रांसपोज. अब मुझे फाइंड क्या करना था, ए प्लस ए ट्रांसपोज. अब मैं इन दोनों को ऐड कर लूँगी सिंपली. ए की वैल्यू क्या है, 1, 2, 0, 1. अब लिखें ए ट्रांसपोज की वैल्यू प्लस 1, 0, 2, 1. अब कोरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज को आपने ऐड कर देना स्टूडेंट्स. 1+1, 2+0, 0+2, 1+1. सो ये आ गया 2, 2, 2, 2. ओके, अभी हमने सिंपली फाइंड क्या किया, ए प्लस ए का ट्रांसपोज. अब देखिए, जब हमने फाइंड किया, ये एक सिंगल मैट्रिक्स आ गया. अब आपने क्या करना है, इसका लेना ट्रांसपोज. ओके, अगर ट्रांसपोज लेके आपका आंसर यही आ जाए तो आपने कहना है दिस इज सिमेट्रिक.
अब मैं लेने लगी हूँ ट्रांसपोज, ए प्लस ए ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज लेना, ओके, टू 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 टू, तो आपके पास चारों टर्म्स सेम एलिमेंट्स, तो ये टू 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 ही आएगा आंसर। तो बेसिकली स्टूडेंट्स, ये आपके पास किसके इक्वल है, ये इक्वल है ए प्लस ए ट्रांसपोज के, इसकी जगह मैं लिखती हूँ ए प्लस ए ट्रांसपोज, ओके। अब अगर आप नोट करें, हमने इसी टर्म का ट्रांसपोज लिया, आंसर आपका सेम यही टर्म आ गई। सो दिस इम्प्लाइज ए प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। अब इसका पार्ट नंबर फाइव में करती हूँ, क्योंकि थर्ड और फाइव सिमिलर है और फोर और सिक्स सिमिलर है, तो पहले पार्ट नंबर फाइव करेंगे हम। डिफरेंस सिर्फ एक ही है, यहाँ पे मैट्रिक्स ए को हमने सॉल्व किया था, यहाँ पे बी के लिए करना है, ठीक है। सबसे पहले मैं बी मैट्रिक्स यहाँ लिखती हूँ, बी इज इक्वल टू, आपको गिवन है 1 1 2 0, ओके। अब आपने क्या करना है, बी का लेना ट्रांसपोज, बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू 1 1 2 0। अब यहाँ पे ये आपके पास है रो, इसको कॉलम में लिखते हैं 1 1, और ये भी रो है 2 0, इसको भी कॉलम में लिखते हैं 2 0। ये आ गया बी का ट्रांसपोज। अब आपने क्या करना है, इन दोनों को ऐड कर लेना, देखिए इन स्टेप्स को फॉलो इन्हीं को करें, उसके अकॉर्डिंग करते जाएं, बी प्लस बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू, पहले बी की वैल्यू लिखे 1 1 2 0, अब लिखेंगे बी ट्रांसपोज की 1 2 1 0, 1 1 1 1 2 2 1 0 0। तो आपके पास आंसर आ गया 2 3 3 0। अभी हमने फाइंड क्या किया, बी प्लस बी का ट्रांसपोज। अब हमने क्या करना है स्टूडेंट्स, इसका अगेन ट्रांसपोज ले लेना। सो नाउ बी प्लस बी ट्रांसपोज, इसका होल ट्रांसपोज ले लें, 2 3 3 0 ट्रांसपोज। देखिए ये आपके पास है रो, इसको लिखे कॉलम में 2 3, ये भी रो है इसको कॉलम में लिखे 3 0। अब अगर आप नोट करें तो आपकी जो राइट हैंड साइड है ये बेसिकली बी प्लस बी ट्रांसपोज के इक्वल है, इसकी जगह मैं ये लिख दूंगी। सो बी प्लस बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी प्लस बी ट्रांसपोज। तो देखें इस टर्म का ट्रांसपोज लिया, लेने से आंसर आपका वही टर्म आ गई। सो दिस इम्प्लाइज बी प्लस बी ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। अब नेक्स्ट है पार्ट नंबर फोर, आपने प्रूफ करना है कि ए माइनस ए ट्रांसपोज आपके पास इज स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है। तो स्टूडेंट्स स्क्यू सिमेट्रिक के लिए देखें, आपके पास एक मैट्रिक्स हो ए, जब आप इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें तो वो अपने मैट्रिक्स के नेगेटिव के इक्वल आ जाए, नेगेटिव ए के, तो इसको हम कहते हैं स्क्यू सिमेट्रिक, ओके, स्क्यू सिमेट्रिक। अब आपको प्रूफ करना है कि जो ए माइनस ए का ट्रांसपोज है ये स्क्यू सिमेट्रिक है, तो आपने पहले इस फाइंड करना है, फिर इसका होल ट्रांसपोज देना। अगर ये नेगेटिव ए माइनस ए ट्रांसपोज के इक्वल आ जाए तो आपने कहना दिस इज स्क्यू सिमेट्रिक, ओके। अब हम सॉल्व कर लेते हैं इसको, ए हमारे पास है, ए का ट्रांसपोज लिख लेते हैं, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू, अगर आप डायरेक्ट लेना चाहें तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, तो देखें 1 2 ये कॉलम में लिखते हैं, 0 1 इसको भी कॉलम में लिखते हैं, ओके। अब आपने इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, ए माइनस ए ट्रांसपोज, ए की वैल्यू लिखिए 1 2 0 1 माइनस ए ट्रांसपोज 1 0 2 1, 1 माइनस 1 0, 2 माइनस 0 2, 0 माइनस 2 माइनus 2, 1 माइनस 1 0। ये आपके पास आंसर आया ए माइनस ए के ट्रांसपोज का, ठीक है। तो आपने अब क्या लेना है, इसका अगेन ट्रांसपोज लेना है, एक सिंगल मैट्रिक्स आ गया, इसका अब लेते हैं हम अगेन ट्रांसपोज। अब देखिए ये आपके पास है रो, इसको कॉलम में लिखते हैं 0 2, और इस रो को भी कॉलम में लिखते हैं -2 and 0। अब इस पूरे मैट्रिक्स में से मैं -1 कॉमन ले रही हूँ, ठीक है, नेगेटिव साइन जब कॉमन लेंगे
तो अंदर हर टर्म के साइन चेंज हो जाएंगे, जीरो के साथ प्लस लिखे या माइनस लिखे वो मीनिंगलेस होता है, सो जीरो एज इट इज़, ये माइनस है प्लस हो गया, ये प्लस है ये माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे जीरो एज इट इज़। अब अगर आप लोग स्टूडेंट्स नोट करें तो ये जो आपके पास मैट्रिक्स आया बेसिकली ये किसके इक्वल है, ये इक्वल है ए माइनस ए ट्रांसपोज के, इसकी जगह मैं लिख देती हूँ ए माइनस ए ट्रांसपोज। ओके सो देखिए, जब आपने ए माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लिया तो वो अपने मैट्रिक्स के नेगेटिव के इक्वल आ गया, सो दिस इम्प्लाइज ए माइनस ए ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। अब इसका पार्ट नंबर सिक्स करते हैं स्टार्ट। हम क्वेश्चन नंबर एट का पार्ट फोर और सिक्स सिमिलर है, इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करें और मैट्रिक्स बी के लिए सॉल्व करते हैं। बी मैट्रिक्स हमारे पास है, अब हमने क्या करना है, बी का ट्रांसपोज लेना। सो बी का ट्रांसपोज लेंगे, ये आपके पास है वन वन, इसको कॉलम में लिखते हैं, और ये है टू ज़ीरो, इसको भी कॉलम में लिखते हैं, ये आपके पास बी का ट्रांसपोज आ गया। अब आपने बी माइनस बी ट्रांसपोज लेना है, बी माइनस बी ट्रांसपोज, पहले लिखेंगे बी वन वन टू ज़ीरो, फिर लिखेंगे बी का ट्रांसपोज वन टू वन ज़ीरो। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर ले, वन माइनस वन ज़ीरो, वन माइनस टू माइनस वन, टू माइनस वन प्लस वन, ज़ीरो माइनस ज़ीरो ज़ीरो, ये आपके पास है बी माइनस बी ट्रांसपोज का आंसर। ठीक है, अब आपने क्या करना है, दोनों साइड पे ट्रांसपोज ले लेंगे, बी माइनस बी ट्रांसपोज इसका ओवरऑल ट्रांसपोज ले लें। तो देखिए ये आपकी रो है, इसको कॉलम में लिखते हैं ज़ीरो माइनस वन, ये भी रो है इसको भी कॉलम में लिखते हैं वन ज़ीरो। ओके अब आपने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में इस पूरे मैट्रिक्स में से माइनस साइन कॉमन ले लेना है, सो ये आ जाएगा ज़ीरो माइनस वन वन ज़ीरो। जब नेगेटिव से कॉमन लेते तो अंदर हमारे पास एंट्रीज के सिंबल चेंज हो जाते हैं, तो ये माइनस, ये प्लस था माइनस हो गया, ये माइनस था प्लस हो गया। अब अगर आप नोट करें तो ये मैट्रिक्स आपका b माइनस बी ट्रांसपोज के इक्वल है, इसकी जगह b माइनस बी ट्रांसपोज लिखते हैं। सो b माइनस बी ट्रांसपोज जब हमने लिया इसका अगेन ट्रांसपोज तो उसके नेगेटिव के इक्वल आ गया। ओके सो दिस इम्प्लाइज b माइनस बी ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। इसी के साथ ही स्टूडेंट्स हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हुई, होप सो आप सबको क्लियर हो गया। अगर आपको मेरा टीचिंग मेथड पसंद आया हो तो वीडियो को कर दे लाइक, चैनल को कर दे सब्सक्राइब, एंड प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।